ऐसा है, कोविड कोविड के मामले में जितना अध्ययन राहुल गांधी जी ने किया है उतना शायद डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी नहीं किया होगा जी। और सही ढंग से उन्होंने अपनी समय पर मांग उठाते रहे। अगर उनकी बात मोदी जी फरवरी 2020 से मान लिए होते तो इतनी मौतें नहीं होती। और आज हमें इस बात का दुख है कि नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि कोविड से जो मरेगा उसको केंद्र सरकार 4 लाख रुपए देगी, और अब सुप्रीम कोर्ट के सामने कह दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है। अरे प्रधानमंत्री का महल बन रहा है, उपराष्ट्रपति जी का महल बन रहा है, सेंट्रल विस्टा बन रहा है, हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, अरे उसमें से काट कर इन बिचारों को मुआवजा मिलना चाहिए। उसमें यह भी है कि आपकी अगर मृत्यु नहीं हुई है उन परिवारों के अस्पतालों के बिल भी देना चाहिए, उसका भी समाप्त कर दिया। और तो और आयुष्मान कार्ड को भी मान्यता नहीं दी गई 2020 के मार्च के बाद से लेकर आज तक बीच में दी गई। बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे आ रहे हैं जहां लोगों का मेडिकल क्लेम बीमा कंपनियां नहीं दे रही हैं, चक्कर काट रहे हैं। इन सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और हम अनुरोध करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट का नजरिया बहुत सही रहा है इसके मामले में कि वो निर्देशित करें कि बंद करो ये प्रधानमंत्री निवास और उपराष्ट्रपति निवास और सेंट्रल विस्टा, और उसका सारा पैसा कोरोना से मरने वाले परिवार मृत परिवारों को देना चाहिए। ऐसा है कोविड के मामले में जितना अध्ययन राहुल गांधी जी ने किया है उतना शायद डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी नहीं किया होगा जी। और सही ढंग से उन्होंने अपनी समय पर मांग उठाते रहे। अगर उनकी बात मोदी जी फरवरी 2020 से मान लिए होते तो इतनी मौतें नहीं होती। और आज हमें इस बात का दुख है कि नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि कोविड से जो मरेगा उसको केंद्र सरकार 4 लाख रुपए देगी, और अब सुप्रीम कोर्ट के सामने कह दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है। अरे प्रधानमंत्री का महल बन रहा है, उपराष्ट्रपति जी का महल बन रहा है, सेंट्रल विस्टा बन रहा है, हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, अरे उसमें से काट कर इन बिचारों को मुआवजा मिलना चाहिए। उसमें यह भी है कि आपकी अगर मृत्यु नहीं हुई है उन परिवारों के अस्पतालों के बिल भी देना चाहिए, उसका भी समाप्त कर दिया। और तो और आयुष्मान कार्ड को भी मान्यता नहीं दी गई 2020 के मार्च के बाद से लेकर आज तक बीच में दी गई। बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे आ रहे हैं जहां लोगों का मेडिकल क्लेम बीमा कंपनियां नहीं दे रही हैं, चक्कर काट रहे हैं। इन सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और हम अनुरोध करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट का नजरिया बहुत सही रहा है इसके मामले में कि वो निर्देशित करें कि बंद करो ये प्रधानमंत्री निवास और उपराष्ट्रपति निवास और सेंट्रल विस्टा, और उसका सारा पैसा कोरोना से मरने वाले परिवार मृत परिवारों को देना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।